स्टोक्स थ्योरम को प्रैक्टिकली समझने में बहुत मतलब मजा आता है। देखिए आप लोग, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूँ कुछ इस तरीके से, है ना, तो इस सर्कल के अंदर जो आप लोगों को कुछ ना कुछ सरफेस यहाँ पर है ना, इस सर्कल के अंदर कुछ ना सरफेस होगा। तो अगर मैं इस सर्कल के बाउंड्री को यानी कि मतलब जो सर्कमफेरेंस एक्चुअली उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मैं क्या कहूँगा, लाइन इंटीग्रल कहूँगा, है ना, लाइन इंटीग्रल कहूँगा। तो लाइन इंटीग्रल बराबर होता है ये जो सरफेस दिख रहे हो इसके इंटीग्रल का, लेकिन साथ में कर्ल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या हो गए, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल। तो अब आप लोग वीडियो को समझ गए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।